बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेस, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर 3। फर्स्ट हम पढ़ेंगे जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा रेस। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा रेस? दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हीलियम न्यूक्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि हीलियम न्यूक्लाई में भी 2 होते हैं और जब ये डिके करते हैं उनमें भी होते हैं, इसलिए इनको हीलियम न्यूक्लाई भी कहा जाता है। दे मूव विद द स्पीड इक्वल टू द 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 के करीब स्पीड से ये मूव करते हैं। कैसे? स्पीड ऑफ लाइट क्या है जी? स्पीड ऑफ लाइट साइंटिस्ट ने जो मेयर की है, दैट इज़ अबाउट 3×10^8 मीटर पर सेकेंड के करीब है, उससे रिलेट किया गया है इनको। दे कैन नॉट पास थ्रू थिक मेटल फॉयल, ये किसी भी थिक मेटल की अगर फॉयल हो या कोई भी चीज़ अगर मेटेलिक हो और वो थिक हो तो उसमें से पास आउट नहीं हो सकती, इनकी पेनिट्रेशन कम होती है। दीज आर द हैवीएस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है बाकी रेस के मुकाबले में, इसलिए हम कह सकते हैं कि जी दे आर हैवीएस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा रेस। वाट आर बीटा रेस? दे आर नेगेटिवली चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी बीटा रेस भी कहा जाता है। दे कैन पास थ्रू अ फ्यू मिलीमीटर थिक मेटल शीट, यानी ये चंद मिलीमीटर तक अगर थिक हो मेटल की कोई भी शीट या फॉयल तो उसमें से पास थ्रू हो सकती है ये रेस। दे मूव विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ये तकरीबन कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल मूव करती हैं। दे आर लाइटर इन मास एज कम्पेयर टू द अल्फा रेस, अल्फा रेस के मुकाबले में जी जो ये रेस होती हैं इनका मास कम होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बीटा रेस जो होती हैं दे आर लाइटर देन अल्फा रेस। नेक्स्ट हम जी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज गामा रेस की। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेस? फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी दे कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहा जाता है, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर देन अ अल्फा एंड अ बीटा रेस, अल्फा और बीटा दोनों के मुकाबले में ये किसी भी सरफेस से इजीली मेटल वगैरह से इजीली पेनिट्रेट हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। द स्पीड ऑफ दीज रेस इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इनकी जो स्पीड होती है रेस की वो भी इक्वल टू लाइट के होती है तकरीबन। एंड दे हैव नो मास बट कंसिस्ट ऑफ प्योर एनर्जी, इनका कोई स्पेसिफिक मास नहीं होता लेकिन ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपका जी होम टास्क है लर्न क्वेश्चन नंबर 10।